कहते हैं जब इंसान को भूख लगती है तो वो कुछ भी खा लेता है, क्योंकि उस समय पेट कुछ ना कुछ मांग रहा होता है। हम आपको भूख से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ इराक में रहने वाली यजीदी महिला के साथ हुआ, जहाँ हमास के आतंकवादियों ने 3 दिन बाद भूखी प्यासी महिला को खाने में चावल और मीट दिया। 3 दिन से महिला भूखी प्यासी थी, इसीलिए वो सब कुछ खा गई। खाने के बाद उसे आतंकियों ने बताया कि मीट उसके 1 साल के बच्चे को काटकर बनाया गया था। बच्चे को महिला से पहले ही छीन लिया गया था। बता दे, हमास के आतंकवादियों ने पहले महिला का अपहरण किया, उसके बाद उसे 3 दिन तक भूखा रखा और बाद में 3 दिन बाद उसे खाने में उसी के 1 साल के बच्चे का मीट बनाकर खिला दिया। बता दे, यजीदी समुदाय के लोग मुख्य रूप से इराक, सीरिया और तुर्की में पाए जाते हैं। इराक में इस गुमनाम धर्म के लोगों ने देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के पहाड़ों पर शरण ले रखी है। यजीदी मान्यता है मुसलमानों और ईसाइयों से मिलती जुलती है। इस्लामिक स्टेट जैसे चरमपंथी संगठनों का मानना है कि ये धर्म शैतान को पूछता है, जिस कारण इराक में आतंकियों ने यजीदियों पर बेहिसाब जुर्म किए। 2014 में इराक के सिंजर इलाके में इस्लामिक स्टेट ने हजारों यजीदियों का कत्लेआम किया और कई यजीदी महिलाओं को किडनैप कर उन्हें सेक्स स्लेव बना लिया। इंसान को जब भूख लगती है उस समय उसे अपना पेट भरना होता है, इसलिए उस समय इंसान को जो कुछ भी खाने को दिया जाता है या उस समय उसे खाने के लिए जो भी मिलता है उसे वो खा लेता है, क्योंकि उसे अपना पेट भरना होता है। लेकिन आप सोचिए, जब उस महिला को पता चला होगा कि उसने उसी के बच्चे का मीट खा लिया, तो उस पर क्या गुजर रही होगी, उस पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया में सबसे अनमोल होता है। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे कभी बयां नहीं किया जा सकता। नमस्कार।